हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बायोटिन सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट ओजीवा बायोटिन सप्लीमेंट मैंने 2-3 महीनों से लिया है एंड मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में आप इसे ले, या फिर थायराइड पेशेंट्स क्या इसे ले सकते हैं, डायबिटीज पेशेंट्स क्या इसे ले सकते हैं, या फिर इसके लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, कितना डोज में आपको इसे लेना है, कब लेना है, सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। क्योंकि मेरी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूंगी तो आप सबकी थोड़ी हेल्प होगी। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बायोटिन सप्लीमेंट लेने से पहले हमें बायोटिन क्या है उसके बारे में जरूर जानकारी रखना चाहिए। बायोटिन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लाइफ। तो बायोटिन एक विटामिन है, विटामिन B7, जिसे हम नॉर्मली विटामिन H भी बोलते हैं। हमारे बॉडी में जनरली बायोटिन प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम एक्सटर्नली बायोटिन को कंज्यूम भी कर सकते हैं। बायोटिन हमारे बॉडी में क्या काम करता है, एक्चुअली हमारे नेल्स में और हेयर में एक प्रोटीन रहता है केराटिन नाम की, ये आप सबने सुना होगा शायद। तो उसी केराटिन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलाइज करता है बायोटिन, यानी कि वो केराटिन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। तो इसी वजह से जब आपको बायोटिन डेफिशिएंसी हो रही है या फिर बायोटिन लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, तब आप अपने नेल हेल्थ और अपने हेयर हेल्थ देखकर ही बता सकते हैं कि आपको आपके बॉडी में बायोटिन लेवल कैसा है। अब जान लेते हैं कि रेकमेंडेड डोज कितना है बायोटिन का। अडल्ट और एडोलेसेंट में आपको 30-100 mcg पर डे बायोटिन रिकमेंडेड है। आप पर डे 30-100 mcg बायोटिन ले सकते हैं एक्सटर्नली। सो अब बात करते हैं कि ये ओजीवा प्लांट बेस्ड बायोटिन जो मैं ले रही हूँ, इसे लेकर मुझे कोई फायदा हुआ है कि नहीं। सो मेरी बायोटिन डेफिशिएंसी मुझे हुआ था और ये भी काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि बायोटिन डेफिशिएंसी हुआ है मुझे, तो ये हम किस तरीके से पता करेंगे। एक्चुअली जब आपके हेयर थिनिंग हो रही है, मतलब हेयर काफी ज्यादा पतले हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन हेयर फॉल आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, तो हेयर फॉल ही सिर्फ अगर आप देखेंगे तो उससे आप जज नहीं कर सकते हैं कि ये बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है इसके। तो हेयर फॉल एक रीजन है, सेकेंड रीजन इज दैट हेयर थिनिंग, मतलब हेयर काफी ज्यादा पतले हो रहे हैं। थर्ड रीजन इज दैट कि आपके बाल इतने ज्यादा लूज हो रहे हैं, हेयर इतना फॉल हो रहा है कि बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं, मतलब सामने ऊपर ऊपर से खाली, जब जहां पर आप इस तरीके से खाली सामने खाली खाली दिख रहा है, सो आपकी स्कैल्प दिख रही है, सो बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं, उस टाइम हो सकती है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटिस करना है, अपनी नेल हेल्थ, हेयर हेल्थ के साथ साथ आपकी नेल का भी हेल्थ बिगड़ेगा अगर आपकी बायोटिन डेफिशिएंसी है तो। विच मीन्स कि आपके नेल बहुत ज्यादा येल्लोइश हो जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा पतले थिन हो जाएंगे, तो इजीली ब्रेक हो रहे हैं और इस तरीके का प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, तो तब आप श्योर हो जाओगे कि यू हैव बायोटिन डेफिशिएंसी, तो तब आपको बायोटिन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। तो मैं इस ओजीवा बायोटिन सप्लीमेंट को ले रही थी पिछले 3-4 महीने से ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था। मैं ओजीवा के कोई और प्रोडक्ट ले रही थी, लेकिन फिर से मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है ड्यू टू डैंड्रफ ऑल्सो, क्योंकि विंटर सीजन में डैंड्रफ होता है, तो मुझे लगा कि चलो बायोटिन भी कंटिन्यू करती हूं मैं। सो इसमें ऐसे बहुत सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये प्लांट बेस्ड है, दैट्स व्हाई मैं इसे लेती हूँ, क्योंकि प्लांट बेस्ड से ना साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और या डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कोई सप्लीमेंट, बायोटिन सप्लीमेंट लेना, आप इसे जरूर ले सकते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछे हैं कि मुझे डायबिटीज है, मेरे पापा को डायबिटीज है, मेरी मम्मी को डायबिटीज है, तो क्या वो बायोटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं। रिसर्च ने कहा है कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आपको बायोटिन अगर आप बायोटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, मतलब वो आपके टाइप 2 डायबिटीज के लिए हेल्प करेगा अगर आप बायोटिन सप्लीमेंट लेते हैं, क्योंकि बायोटिन आपके ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है।
आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है बायोटिन, लेकिन एक डिस्क्लेमर प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम अ ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टूडेंट, और मैं जो पढ़ती हूँ, मैं जो रिसर्च पेपर्स वगैरह जो भी मैं पढ़ती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हाँ इसने कह दिया कि डायबिटीज में अगर मैं बायोटिन लूंगी तो मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, फिर आपने बायोटिन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दिया। नो, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। आप जिस डॉक्टर को दिखाते हैं, रेगुलर चेकअप करते हैं, आप उन डॉक्टर को जल्दी से एक बार पूछ लीजिए, फिर आप बायोटिन सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ रिसर्च ऐसा बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में अगर आप बायोटिन सप्लीमेंट लेते हैं तो दैट्स रियली बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप प्रेगनेंसी में बायोटिन ले सकती है कि नहीं। एक्चुअली जब बायोटिन डेफिशिएंसी होता है ना, तो जनरली वो प्रेगनेंसी के टाइम बायोटिन डेफिशिएंसी होता है। यू नो 90% ऑफ प्रेग्नेंट वुमन फेस दिस प्रॉब्लम, उन्हें बायोटिन डेफिशिएंसी होती है, तो उस टाइम डॉक्टर्स जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं प्रीनेटल विटामिन। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको पता है आपके डॉक्टर ने भी शायद प्रेस्क्राइब किया है प्रीनेटल विटामिन, तो उस विटामिन टैबलेट्स के अंदर ही काफी सारे बायोटिन भी है, फोलिक एसिड भी होता है, तो आपको एक्सटर्नली बायोटिन सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो आपको प्रीनेटल विटामिन्स दे रहे हैं उसमें ही भरपूर मात्रा में बायोटिन फोलिक एसिड है, सो एक्सटर्नली सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली प्रेगनेंसी में बायोटिन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दौरान आपकी बायोटिन डेफिशिएंसी होती है, मतलब बायोटिन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, लेकिन डॉक्टर आपको खुद ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं, डॉक्टर खुद ही जो दवाई देते हैं उसके अंदर ही बायोटिन होती है, तो एक्सटर्नली सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप श्योर होना चाहते हैं तो आप बायोटिन टेस्ट भी कर सकते हैं, किसी भी आप पैथोलॉजिकल लैब में जाकर बायोटिन टेस्ट कर सकते हैं, और उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको बायोटिन डेफिशिएंसी है कि नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी बायोटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा कोई सिग्निफिकेंट चेंज दिखने के लिए। मुझे भी सिग्निफिकेंट चेंज दिखने में 90 डेज लग ही गए थे, और मेरे हेयर अभी काफी ज्यादा चेंज हुए हैं, हेयर टेक्स्चर भी और हेयर ग्रोथ भी मेरी हो रही है बहुत ज्यादा, और हेयर काफी तेजी से लंबे भी हो रहे हैं। आप ही लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया है, सो आई थिंक या देयर इज अ गुड रीजन ऑफ टेकिंग बायोटिन सप्लीमेंट। और एक क्वेश्चन मुझे बार बार रिसीव हुआ है, वो है कि बायोटिन क्या कोई साइड इफेक्ट्स है बायोटिन सप्लीमेंट्स का। देखिए बायोटिन एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, वो वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाता है, तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में बायोटिन ले भी ले तो वो आपके यूरिन के थ्रू पास हो जाता है, क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई। तो इसके एज सच कोई ऐसे टॉक्सिक सिम्टम्स या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट अगर आपकी बॉडी में आपने एक्सेस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ले लिया एक्सेस बायोटिन, तो शायद आपको थोड़ा सा नोजिया या डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। नोजिया अगर आपको नहीं पता तो उसका मतलब है थोड़ा सा वॉमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट एज सच कोई टॉक्सिक ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, और मैंने भी कोई साइड इफेक्ट ऐसा फेस नहीं किया, ऑल्सो रिसर्च भी यही कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर आप थायराइड पेशेंट है आप बायोटिन ले सकते हैं कि नहीं। ओके, सो अगर आप थायराइड पेशेंट है और आप बायोटिन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट थायराइड पेशेंट में थोड़ा सा जो TSH लेवल है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है अगर आप बायोटिन लेते हैं तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप एक्सटर्नली बायोटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आप जब थायराइड टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर TSH लेवल आपको टेस्ट रिपोर्ट में मिलता है, तो आप ऐसा डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि अभी आपका एट प्रेजेंट आपका जो थायराइड लेवल है या TSH लेवल है वो कितना है। तो एज सच कोई ऐसे साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है, बट हाँ आपका जो TSH लेवल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, बिकॉज थायराइड टोटली एक हार्मोनल रिलेटेड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो बायोटिन सप्लीमेंट, क्योंकि थायराइड पेशेंट्स ना ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो बायोटिन सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फिर TSH थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है तो आपको डॉक्टर से डांट भी पड़ सकती है इसकी वजह से। ऑलराइट, सो अगर आप बायोटिन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो आप कि ऐसी कौन सी डाइट ले जिससे कि आपको बायोटिन भरपूर मात्रा में मिले अपने डाइट के थ्रू। तो आप
एग योक ले सकते हैं, मतलब जो अंडा होता है, अंडा बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मैं व्हाइट पोर्शन ही खाऊंगा, मैं येलो पोर्शन में बहुत ज्यादा कैलोरी है मैं वो नहीं खाऊंगा. नो, येलो पोर्शन में देयर आर लॉट ऑफ विटामिन्स और कैलोरी. हमारी बॉडी में जो गुड कैलोरी है, मतलब जो कैलोरी हमें चाहिए अपने बॉडी में, वो सारे कैलोरीज होते हैं. तो येलो पोर्शन व्हाइट पोर्शन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप येलो पोर्शन जरूर लीजिए, क्योंकि एग योक में, मतलब जो येलो पोर्शन होता है उसमें भरपूर मात्रा में बायोटिन होता है. तो आप उसे जरूर कंज्यूम करें तो आपको काफी अमाउंट में बायोटिन मिलेगा एवरी डे. नेक्स्ट, आप मीट ऑर्गन ले सकते हैं. मीट ऑर्गन आई मीन कि लिवर, जैसे मीट का लिवर पोर्शन होता है, चिकन का लिवर है, वैसे ही आप मीट ऑर्गन ले सकते हैं. उसमें भी भरपूर मात्रा में बायोटिन होती है. बट अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप एग या मीट नहीं लेते हैं, तो उसके लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं. जैसे कि आप नट्स ले सकते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, इस तरीके के नट में भी बायोटिन होती है. पीनट्स, सोयाबीन, होल ग्रेन जैसे सीरियल्स, फिर कॉलीफ्लावर, बनाना, मशरूम, सो इन सब चीजों में बायोटिन काफी अमाउंट में होती है. तो आप वेजिटेरियन होने पर भी इन सारे जो मैंने अभी बताया है, इनको अपने डाइट में इंक्लूड करने से आपको जो आपका जो बायोटिन लेवल है वो ठीक रहेगा. और अगर आप अपने डाइट में इन सारे चीजों को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं ठीक अमाउंट में, नेसेसरी अमाउंट में, तब आप बायोटिन सप्लीमेंट डेफिनेटली ले सकते हैं. अब मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स नहीं है बायोटिन सप्लीमेंट की, वो आपके यूरिन के थ्रू पास हो जाता है एक्सेस अमाउंट में लेने पर. और हाँ, अगर आप इस ओजीवा प्लांट बेस्ड बायोटिन को लेना चाहते हैं तो आप इसे डेली अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए. ब्रेकफास्ट के 1 आवर बाद, 1 घंटा बाद, आप इसे 1 या 2 स्कूप्स नॉर्मल पानी में मिक्स करके पीजिए. वार्म वाटर लेने की कोई जरूरत नहीं, गर्म पानी की लेने की जरूरत नहीं है, ठंडा पानी की लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट नॉर्मल वाटर लीजिए और उसे थोड़ा सा मिक्स करके फिर आप कंज्यूम कर लीजिए. एक स्कूप में भी आपका काम चल सकता है. अगर आप चाहते हैं तो 2 स्कूप्स भी ले सकते हैं. टेस्ट की अगर बात करें तो आई जस्ट लव द टेस्ट. इसका टेस्ट बहुत अच्छा है. सो आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं. जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल था. और अगर वीडियो हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, आपके हर क्वेरी के मैं आंसर देती हूँ. और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. पर्सनली मुझे जो लगा आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैंने शेयर किया, क्योंकि काफी सारे ऐसे इंटरनेट पे मैंने वीडियोस देखे हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं. सो आई थिंक सही इन्फॉर्मेशन आप सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले आपको उस सप्लीमेंट के बारे में, उस इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आज के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय.